तो आज हम बात करने वाले पोको F2 और पोको F2 प्रो के बारे में। तो ये दोनों मोबाइल्स र्यूमर्स में है और इनकी प्राइस हालांकि पोको F2 प्रो की लीक हो गई है और उसके स्पेसिफिकेशंस कुछ मैं आपको बताऊंगा, शायद से वो होंगे या फिर ना होंगे। और पोको F2 जो है वो मोबाइल शायद से अपना पोको F1 का प्रोसेसर का ही लेके आएगा, स्नैपड्रैगन का 845। तो चलिए मैं वीडियो को अभी एक्सप्रेस फुल एक्सपांड कर देता हूँ और आपको सारे स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, कोरोना तो फैल गया है, डेट लॉकडाउन की एक्सटेंड हो गई है, कोरोना का एक्सटेंड नहीं होने के लिए स्टे होम स्टे सेफ। तो पोको F2 का जो मोबाइल रहेगा, तो यहाँ पर रूमर आता है और कि रेडमी का K30 प्रो जो है वही मोबाइल रीब्रांड करके यहाँ पर पोको F2 के नाम से आ रहा है। तो अगर ऐसा रहा तो उसके स्पेसिफिकेशंस कुछ सेम सिमिलर रहने वाले हैं। पोको F2 जो मोबाइल है वो फ्लैगशिप मोबाइल रहता है और शायद से इसके स्पेसिफिकेशंस में स्नैपड्रैगन का 845 हो सकता है जो पुराना वाला पोको F1 में था, क्योंकि ये बजट फ्लैगशिप किलर प्रोसेसर है। और जो पोको का F2 प्रो है उसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर रहने वाला है। और पोको F2 का जो रहेगा रैम और स्टोरेज, तो उसमें 64 GB का वेरिएंट और 6 GB का वेरिएंट आपको स्टार्टिंग में मिलेगा और उसका 128 to 6 GB और 128 to 8 GB, ऐसे तीन चार वेरिएंट्स होंगे। F2 प्रो का भी सेम ही होने वाला है और कैमरा जो होने वाले वो क्वाड कैमरा यहाँ पर माउंटेड दिखते हैं, जो K30 प्रो में आपको मिलता है क्वाड कैमरास। तो क्वाड कैमरास कुछ ऐसे यहाँ पर मिलते हैं आपको, 64 MP का वाइड कैमरा आपको मिलेगा और इसका जो एपरेचर रहेगा, इसका जो पिक्सल साइज रहेगा वो रहेगा 0.8 micron pixel का। इसमें आपको PDA ऑटो फोकस मिल जाएगा। सेकेंड कैमरा जो रहने वाला है वो 5 MP का रहने वाला है, वो टेलीफोटो जूमिंग के लिए काम में आएगा। और 13 MP का कैमरा है वो अल्ट्रा वाइड की तरह काम करेगा। और लास्ट कैमरा जो है 2 MP का, वो डेप्थ के लिए माइक्रो फोटोज निकालने के लिए काम में आने वाला है। तो ऐसे क्वाड कैमरा यहाँ पर सेटअप माउंटेड किए गए हैं। और सेल्फी कैमरा की बात करें तो आपको सिंगल कैमरा मिलता है जो कि पॉपअप होने वाला है और वो कैमरा 20 MP का यहाँ पर बताते हैं। तो सब कुछ रीब्रांड कर दिया है, तो यहाँ पर डिस्प्ले तो वैसे ही रहने वाला है, ये डिस्प्ले रहने वाला है फुल HD प्लस। और यहाँ पर आपको 60Hz या फिर 120Hz ऐसे दो वेरिएंट्स मिलेंगे। 60Hz शायद से पोको F2 में रहेगा और 120Hz जो रहेगा वो अपना पोको F2 प्रो में आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं अभी कैसे क्या निकल के आता है। बट यहाँ पर एक लीक फोटो भी यहाँ पर पोको की तरफ से यहाँ पर निकला था कि पोको इज़ वेकिंग अप और शायद से जल्दी हमें पोको F2 और F2 प्रो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो पोको F2 का प्रोसेसर रहने वाला है स्नैपड्रैगन 845, जिसका GPU रहेगा एड्रेनो 630 और जो पोको F2 प्रो रहेगा उसका स्नैपड्रैगन 865 रहने वाला है और उसका जो GPU परफॉर्मेंस रहेगा वो एड्रेनो का 650 आपको यहाँ पर मिलता है। तो बात करते हैं अभी बैटरी बैकअप की। बैटरी बैकअप दोनों में अच्छे से मिलने वाला है आपको। यहाँ पर जो रूमर्स निकल के आते हैं बैटरी बैकअप का, तो वो होता है 4700 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी आपको मिलेगी जो कि नॉन रिमूवेबल रहने वाली है। फास्ट चार्जर सपोर्ट रहेगा, आप क्विक 4+ चार्जर जो रहता है वो सपोर्ट रहेगा और गेमिंग के लिए दोनों मोबाइल्स परफॉर्मेंस रहेंगे। तो बात करते हैं अभी इसकी प्राइस के बारे में। तो प्राइस जो निकल के आती है पोको F2 की वो है 26,990। तो यहाँ पर आपको फ्लैगशिप मोबाइल यहाँ पर मिलता है जो कि एक बेहतरीन होने वाला है। तो पोको F2 प्रो की प्राइस होने वाली है जो 128 और 6 GB का वेरिएंट रहेगा, उसकी प्राइस लगभग 54,000 तक रहने वाली है। यहाँ पर लीक किया गया है इसकी प्राइस। 8 GB और 256 GB का जो वेरिएंट होने वाला है उसकी प्राइस होने वाली है 62,000 rupees। तो यहाँ पर एक फ्लैगशिप मोबाइल यहाँ पर प्रो बन के आता है और एक फ्लैगशिप मोबाइल यहाँ पर बजट में आता है F2। तो दोनों मोबाइल्स काफ़ी बेहतरीन है। पोको F1 फ्लैगशिप किलर मोबाइल यहाँ पर निकला था और अभी जो देखते हैं F2 का क्या रिज़ल्ट आता है जल्दी से जल्दी, अभी एक दो हफ्ते में आपको न्यूज़ मिल जाएगी। तो ये था पोको F2 और F2 प्रो के बारे में न्यूज़ और थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन उसकी प्राइसिंग की। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए जरूर से लाइक बटन क्लिक कीजिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। डू शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू GTech। और हाँ, साथ ही साथ घंटे को भी दबा देना। एंड स्टे होम स्टे सेफ। Thank you.